एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला को मिठाई बहुत पसंद थी। भोला की माँ उसे जितने भी रुपए देती वह उन्हें चंगुलाल मिठाई वाले के पास ले जाता और कोई न कोई मिठाई खरीद लेता। गांव के लोग कहते थे कि भोला के अंदर दिमाग कम है, लेकिन भोला की माँ हमेशा इस बात का विरोध करती। एक दिन चंगुलाल की पत्नी सुबह सुबह भोला के घर आई। अरे ओ भोला की माँ, देखो तुम्हारे लड़के ने क्या किया। क्या हुआ गीता बहन? मैंने मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पूरे 50 रुपए की मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाई थी। जैसे ही मैं बाहर निकली तुम्हारा भोला सब मिठाई खा गया। गीता बहन, शिवलिंग तो मिठाई खाती नहीं है, अगर भोला ने खा ली तो इसमें कौन सी आफत आ गई? वैसे भी भगवान पर चढ़ाने के बाद प्रसाद बांटा ही जाता है। लो देख लो गांव वालों, भोला की माँ उसे डांटने के बजाय और उल्टे सीधे काम करने के लिए उकसा रही है। इतना ही मिठाई खाने का शौक है तो खरीद कर खाया करे ना। दिमाग ना तो लड़के के अंदर है और ना माँ के अंदर। भोला के चक्कर में भोला की माँ को गांव वालों की जली कटी बातें सुननी पड़ती। मैं जानती हूँ कि भोला के अंदर दिमाग कम नहीं है। हे ईश्वर, मुझे गांव वालों की बातें सहन करने की शक्ति देना। माँ, तुम भगवान से रोजाना क्या कहती हो? बेटे, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। एक बार चंगू हलवाई ने रसगुल्ले बनाए। भोला ने जब रसगुल्ले देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह दुकान पर जाकर बोला, चाचा क्या मुझे 10-12 रसगुल्ले दे देंगे? हाँ जरूर दे दूंगा, लेकिन पहले 300 रुपए लेकर आओ, रसगुल्ले बहुत महंगे हैं। काका, मैं आपको पहले भी बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ। लेकिन उन पैसों के बदले में तुम्हें मिठाई दे चुका हूँ, अब नई मिठाई चाहिए तो नए पैसे लेकर आओ। भोला दौड़ता हुआ घर आया। उसकी माँ बाजार गई हुई थी। भोला ने गुल्लक तोड़ी लेकिन उसमें बस कुछ सिक्के निकले। भोला सारे सिक्के लेकर मिठाई वाले के पास पहुँचा। इनसे कुछ नहीं होगा, और ज्यादा पैसे लेकर आओ। चाचा, क्या मैं एक रसगुल्ला खाकर देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, और वैसे भी सेठ जी के यहाँ से 5 किलो रसगुल्लों का ऑर्डर आ चुका है। अब ये रसगुल्ले तुम्हें 300 में भी नहीं मिलेंगे। चाचा, भगवान आपको बहुत सारे पैसे दे देंगे, मुझे बस एक रसगुल्ला खा लेने दो। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। भगवान से जाकर रसगुल्ले मांग लो और भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। माँ ने कहा था कि सच्ची प्रार्थना बेकार नहीं जाती है। भोला रसगुल्लों की प्रार्थना करने मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक घायल बिल्ली दिखी। भोला मंदिर और रसगुल्ले भूल गया। उसने बिल्ली का घाव धो दिया और उसके पट्टी बांधने लगा। तभी एक औरत वहां आई। थैंक यू बेटे, ये मेरी बिल्ली है। घर से बाहर आ गई थी, तभी शायद रास्ते में इसका पैर किसी ने कुचल दिया। तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरा नाम भोला है, मैं मंदिर में रसगुल्लों की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहती है कि सच्चे मन से प्रार्थना करो तो मुराद पूरी होती है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है। औरत भोला के हाथों को अपने आँखों पर लगाती है और अपनी बिल्ली लेकर चली जाती है। भोला उस दिन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके आंगन में रसगुल्लों की बारिश हो रही है। भोला जल्दी आ, देख हमारे आंगन रसगुल्लों से भरा जा रहा है। मैंने घर के सारे बर्तन में रसगुल्ले भर लिए हैं, अब तू कितनी भी मिठाई खा सकता है। भोला और उसकी माँ बहुत सारे रसगुल्ले खा गए। माँ, हम इतने सारे रसगुल्ले नहीं खा पाएंगे, और बारिश लगातार हुई जा रही है, हमें इन्हें बेचना शुरू करना चाहिए। ठीक कहा। भोला और उसकी माँ ने आंगन में ही रसगुल्लों की दुकान खोल ली। लागत ना आने के कारण उन्हें खूब प्रॉफिट होने लगा। जब चंगू की पत्नी ने ये देखा तो जलन से भर उठी। वो चंगू से बोली, मेरे पास एक तरकीब है जिससे भोला के आंगन में बरस रहे रसगुल्ले हमारे हो सकते हैं। चंगू की पत्नी चंगू के कान में कुछ कहती है। अगले दिन भोला और उसकी माँ
जब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में काफी ऊपर एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है। रसगुल्ले जमीन तक नहीं आ रहे थे। सारे रसगुल्ले टेंट के ऊपर इकट्ठे हो रहे थे। चंदूलाल टेंट से सारे रसगुल्ले उतार कर अपनी दुकान पर ले जा रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? ये टेंट तुमने किससे पूछकर लगाया? आंगन तुम्हारा है, लेकिन उसके ऊपर का आकाश तुम्हारा थोड़ी ही ना है। उस पर तो सबका अधिकार है। मैंने ये टेंट मुखिया जी से पूछ कर लगाया है। भोला की माँ मुखिया जी के पास गई, लेकिन मुखिया जी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि चंगू ने मुखिया को पहले ही पैसे दे दिए थे। भोला का धंधा ठप हो गया और चंगू फ्री के रसगुल्लों से खूब कमाई करने लगा। भोला दुखी होकर जादूगरनी को ढूंढने लगा। उसने जादूगरनी को सारी बात बताई। जादूगरनी ने भोला के कान में कुछ कहा। अगले दिन जब गांव के लोग सोकर उठे तो गांव के हर आंगन के ऊपर एक टेंट था और टेंट में आग लगी हुई थी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। हाय राम, ये किसने किया है? गर्मी और धुएं से मरे जा रहे हैं। ये मैंने क्या किया है? अगर आंगन के ऊपर के आकाश पर आंगन में रहने वाले लोगों का हक नहीं है तो मैं जो चाहूं वो करूं। तुमने हमारे आंगन पर टेंट लगाकर रसगुल्ले इकट्ठे किए और मैंने दूसरों के आंगन पर टेंट लगाकर आग लगाई। गांव के लोग चंगुलाल पर क्रोधित हुए और उससे भोला के आंगन पर से टेंट हटाने के लिए दबाव डालने लगे। ऐसे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आंगन के ऊपर का आकाश उसी आदमी का होगा जिसका आंगन होगा। चंगुलाल को टेंट हटाना पड़ा। रसगुल्लों की बारिश भोला के आंगन में फिर से शुरू हो गई और वह रसगुल्ले बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। अरे छोटे लाल चपड़ गंजू, ये क्या बूढ़े लोगों की तरह धोती कुर्ता पहने रहते हो? मेरी तरह पैंट शर्ट पहना करो। दुनिया सलमान खान के जमाने में आ गई और तुम अभी तक दिलीप कुमार के जमाने में पड़े हो। दुनिया में हर जगह ईमानदार और बेईमान लोग रहते हैं। बहुत दूर देश में कंचनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ भी रहने वाले कुछ लोग ईमानदार और कुछ लोग बेईमान थे। एक दिन गांव में साधुओं की एक टोली आई। सुनो 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 गांव वालों, आज से 7 दिन बाद अमावस्या है और उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा। आने वाली अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी दिन गांव में बारिश होगी और ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये जादुई बारिश है। जिन ईमानदार लोगों के ऊपर इस बारिश का पानी पड़ेगा उनका घर धन धान्य से भर जाएगा और जिन बेईमान लोगों पर ये वर्षा होगी उन्हें हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाएंगी। साधु की बात सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सारे ईमानदार लोग खुशी से नाचने लगे और सभी बेईमान लोग डर के मारे कांपने लगे। गांव में कल्लू नाम का एक दुकान वाला रहता था। कल्लू की गांव में सबसे बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हर चीज मिल जाती थी, लेकिन कल्लू हर सामान महंगा बेचता था। भैया एक टूथपेस्ट देना। लो 115 रुपए। लेकिन इसमें तो 100 रुपए लिखे हैं। लेना हो तो लो वरना बाजार से ले आओ। बाजार जाने में किराया और समय खराब होता था, इसलिए मजबूरी में गांव के लोग कल्लू से ही सामान खरीद लेते थे। जब कल्लू को पता लगा कि गांव में जादुई बारिश होने वाली है जिसमें भीगने पर बेईमान लोगों को हैजा मलेरिया जैसे रोग हो जाएंगे तो कल्लू घबरा गया। वो भागता हुआ साधुओं की टोली के पास पहुंचा और बोला, साधु बाबा अमावस्या और पूर्णिमा के बीच जादुई बारिश किस दिन होगी वो निश्चित दिन बता दीजिए, फिर उस दिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और बारिश से बच जाएंगे। निश्चित दिन किसी को भी नहीं पता बेटा, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन बारिश हो सकती है और फिर तुम घर पर रहकर भी उस बारिश के पानी से बच नहीं पाओगे क्योंकि बारिश इतनी तेज होगी कि घरों की छतें भी टपकेंगी। बाबा बारिश से बचने का कोई उपाय तो होगा।
जादुई बारिश से बचने का उपाय है जादुई छतरी। जादुई छतरी? हाँ। लेकिन ये छतरी मिलेगी कहाँ? तुम्हारे गांव के सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर एक ऋषि तपस्या कर रहा है, उसी के पास तुम्हें छतरी मिलेगी। कल्लू और गांव के कुछ और बेईमान लोग सारा काम धंधा छोड़कर ऊंची पहाड़ी की ओर निकल पड़े। तुम क्या करते हो भैया? मैं सरसों का तेल बेचता हूँ। एक बार जादुई छतरी मिल जाए तो ये घटिया बारिश की आफत टले, फिर मैं सरसों के तेल में और मिलावट करूँगा। ठीक कहा भाई, अब जब इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाने तक की मेहनत कर रहे हैं तो इसकी पूरी कीमत भी तो वसूलेंगे। भयानक धूप पड़ने लगी। प्यास के मारे एक आदमी का गला सूखा जा रहा था। उसे एक गड्ढे में पानी दिखाई देता है। वो रहा पानी, वो गंदा पानी है, उसे मत पियो। थोड़ी दूरी पर नदी पड़ेगी, उसका पानी पी लेना। मुझसे इंतजार नहीं हो पाएगा। आदमी गड्ढे का पानी पी लेता है, उसे डायरिया हो जाता है। लैट्रिन करते करते मेरी हालत खराब हो गई है, उससे नहीं चला जाएगा। तुम लोग जाओ, मुझे गांव लौटना पड़ेगा। अब दो ही लोग बचे थे, वे पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ाई करते करते उन्हें रात हो जाती है। हमें रात कहीं रुक कर बिता लेनी चाहिए, रात में सफर करना ठीक नहीं, रास्ते में सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। दोनों लोग एक पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए आसरा लेते हैं। रात में दोनों को बहुत मच्छर काटते हैं। कल्लू ने देखा कि पास में भैंस का गोबर पड़ा हुआ है। वो भैंस का गोबर अपने पूरे शरीर पर रगड़ लेता है। तुम भी गोबर अपने शरीर पर लगा लो, इससे कोई मच्छर नहीं काटेंगे। अरे मैं नहीं लगा रहा, एक रात की तो बात है बस। आदमी को पूरी रात मच्छरों ने काटा। अगले दिन उसे मलेरिया हो गया और उसका शरीर बुखार से तपने लगा। मुझे तो गांव लौटना पड़ेगा, तुम ही आगे जाओ। कल्लू आगे का सफर अकेले ही तय करता है। कई घंटे लगातार चढ़ते चढ़ते आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक ऋषि तपस्या में लीन है। हे ऋषिवर, मेरे ऊपर कृपा करें, जादुई छतरी प्रदान कर जादुई बारिश से बचाएं। छतरी के लिए तुम्हें यहाँ तक की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बारिश बस प्रतीक है इस बात का कि जो भी जीवन में अनैतिक तरीके से कमाई करता है उससे उसी के अनुसार फिर फल भी भुगतना पड़ता है। जब भी हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हम अपने अंतर मन की आवाज को अनसुना करते हैं, फिर यही मन हमें समय समय पर बताता रहता है कि हमें अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इसी से भय पैदा होता है। अभी ये संकल्प लो कि जीवन में कभी किसी के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी नहीं करोगे। तुम्हारा ये संकल्प ही तुम्हें बारिश से बचाएगा, यही तुम्हारी जादुई छतरी है। तब कल्लू को अपनी भूल समझ में आती है। वह गांव लौटकर नैतिकता पूर्वक ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगता है। और फिर एक दिन गांव में जादुई बारिश होती है। कल्लू उसमें बहुत खुश होकर नहाता है। इस बारिश ने मेरे मन से अनैतिकता, लोभ और बेईमानी का जो मैल था उसे पूरी तरह साफ कर दिया।